नाना साहेब एक बार फिर कानपुर लौटे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि अंग्रेजी सेना ने कानपुर व लखनऊ के बीच के मार्ग को अपने अधिकार में कर लिया, तो नाना साहेब अवध छोड़कर रुहेलखंड की ओर चले गए। रुहेलखंड पहुंचकर उन्होंने खान बहादुर खान को अपना सहयोग दिया। अब तक अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि नाना साहेब पकड़े नहीं जाते, विप्लव नहीं दबाया जा सकता। जब बरेली में भी क्रांतिकारियों की हार हुई, तब नाना साहेब ने महाराणा प्रताप की भांति अनेक कष्ट सहे, परंतु उन्होंने फिरंगियों और उनके मित्र के सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं किया। अंग्रेज सरकार ने नाना साहेब को पकड़वाने में निमित्त बड़े बड़े इनाम घोषित किए, किंतु वे निष्फल रहे। सचमुच नाना साहेब का त्याग, उनकी वीरता और सैनिक योग्यता उन्हें भारतीय इतिहास के एक प्रमुख व्यक्ति के आसन पर बिठा देती है। लॉर्ड डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहेब को 8 लाख की पेंशन से वंचित कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी राज्य का शत्रु बना दिया था।